हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में। नए वर्ष की शुरुआत में लगातार हुई दूसरी कार्रवाई। हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब बरामद। 531 कार्टन शराब परिवहन करते दो आरोपी गिरफ्तार। परिवहन में प्रयुक्त कंटेनर व एस्कॉर्टिंग कर रहे मिनी ट्रक टाटा को भी किया जब्त। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते पुलिस ने लगातार दूसरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसपी हेमंत अभिलाष टाक के नेतृत्व जिले के मुख्य मार्गों से गुजरात में हो रही शराब सिरोही जिला पुलिस एक्शन मोड में है। डीएसटी टीम व सदर पुलिस ने किवरली टोल नाके पर शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 531 पेटी हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब से भरा कंटेनर पकड़ा। शराब से भरे कंटेनर की एस्कॉर्टिंग कर रहे एक मिनी ट्रक को भी पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने कंटेनर चालक समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस एसपी हेमंत अभिलाष टाक के निर्देशन पर माउंट आबू वृत्ताधिकारी प्रवीण कुमार के सुपरविजन में जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आबू रोड थाना अधिकारी निरीक्षक देवी सिंह, डीएसटी टीम प्रभारी चंपा राममय टीम ने गुरुवार तड़के मुखबिर की सूचना पर आबू रोड सदर पुलिस ने अवैध शराब परिवहन करते एक ट्रक कंटेनर व एक एस्कॉर्टिंग कर रहे मिनी ट्रक टाटा के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब की 531 पेटी को जब्त किया। चालक निवासी उदयपुर अम्मा माता थाना, जिला उदयपुर निवासी प्रकाश पुत्र गोवर्धन निवासी व बावली कला पुलिस थाना चौटन जिला बाड़मेर निवासी विक्रम सिंह पुत्र दलपत सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए हेमंत विलास टाक एसपी सिरोही इन्होंने ये कहा। गत रात्रि को अवरोध सदर थाने ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध शराब का कंटेनर जब्त किया है, जिसमें 531 हरियाणा निर्मित शराब पाई गई और दो मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, दो वाहनों को सीज किया गया। मुकदमा दर्ज करके इसका अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। जागरूक टीवी के लिए आबू रोड से खास रिपोर्ट।